आज पार्लियामेंट में केंद्र सरकार को लेके आई है जो भूपिंदर सिंह हुड्डा 2013 में लेके आया और अब दंगों का तो आपके सामने है। प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट पढ़े आप, अगर वो पढ़े आज कहाँ गई वो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट भाई, वो मेज के नीचे क्यों दे दी गई, उसमें साफ जाहिर है अगर आप वो पढ़ेंगे तो पूर्ण रूप से सरकार स्वयं दोषी है। पंचकुला में सरकार स्वयं दोषी है, कोई तो कहेगा हाँ भाई आओ उनके जो है ना यहीं पे खाने का और पीने का इंतजाम करेंगे, कोई 144 लगा देंगे, तब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया तो कहा जी हमने सबकी तलाशी ले ली, हथियार नहीं है, जब अंदर आ गए जब इतने लोग मर गए तो कहा जी खतरनाक हथियार लेके आए थे। ये आपके सामने सब 4 साल में 3 बार जो हरियाणा का चलाने का काम किया है इस मौजूदा सरकार ने, वो इस किस्म के जो है वो टटोलने की कोशिश करती है। चाइना में नई अनाज मंडी, मिनी सेक्रेट और रेस्ट हाउस, 50 बेड का हॉस्पिटल, जींद में 200 बेड का हॉस्पिटल, नरवाना में पॉलिटेक्निक, राजीव गांधी हॉस्पिटल में वुमेन कॉलेज, ये तो मोटी मोटी मैंने आपको बताई बात, चाहे वो सिटी पार्क है जींद का और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, कोर्ट कम्प्लेक्स, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हर में तो मोटा याद है। लेकिन मेरा इन दोनों पार्टियों से सवाल ये है, क्या वो एक भी उपलब्धि बताया ऐसा बता सकते हैं प्रोजेक्ट, वो रेलवे लाइन का नरवाना में 108 एकड़ में जो है हमने इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने का काम किया, जीतिया तो बहुत सारी विकास का स्कोप है भाई, इसका यहाँ एक इंडस्ट्रियल स्टेट होनी चाहिए ताकि यहाँ जो बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है रोजगार देने का काम करेंगे, पहला काम ही होगा यहाँ कोई अच्छा इंडस्ट्रियल स्टेट लगाएंगे ताकि यहाँ लोगों को रोजगार मिल सके और अच्छे और ट्रेनिंग सेंटर लगाएंगे जो बच्चों के लिए नौकरी अली एच बी सी जी जो इकोनॉमिक आधार पे जो जो आज ये इसका समर्थन कर रहे हैं 2013 में हमने किया था, उस समय तो भाजपा की यहाँ लोकल यूनिट उसका विरोध कर रही थी, आज युवा यू बिल आपके ऊपर लेके आए हैं और उन बच्चों को भी जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, कुछ उनको मिला है लेकिन उनका भी रिजल्ट रोक दिया गया इधर ने। इकोनॉमिक की तो तकरीबन भर्तियां पूरी होगी लेकिन एसबीसी का ये कोर्ट में जाके हुई है, ये सरकार के उसमें नहीं हुई, कोर्ट के उसके आदेश से हुई है। 5 साल में जींद का बिल्कुल मिलों ने भट्टा बढ़ा दिया है सरकार ने, क्या एक बार फिर एक जो जिस स्पीड से विकास हो रहा था जींद का उसमें बिल्कुल थाम लगाकर बिल्कुल भट्टा बढ़ा दिया, बैठे हैं तो मैं उनका पता करूँगा। और जहाँ तक सवाल है सबॉर्डिनेटेड सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन का सवाल है, ये सबॉर्डिनेटेड सर्विसेज कमीशन नहीं है, ये सर्विसेज फॉर सेल है, परचून की दुकान की तरह तो नौकरियाँ बेची जा रही हैं और यही कारण था इनका जो चेयरमैन जो है उस सस्पेंड भी रखा गया और फिर उसको बहाल कर दिया गया। बहुत जगह गए हम और विधानसभा में भी उठे हैं इस बात का सवाल और ये सब प्रत्यक्ष को प्रमाण ही नहीं है जिस प्रकार से नौकरियां इस सरकार में बेची जा रही है। कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला जी भारी बहुमत से जीते, उसका कारण इस सरकार की विफलताएं और कांग्रेस सरकार की जो उपलब्धियां थी और हमारे से पहले सरकार की जो चौटाला सरकार की जो विफलताएं थी लोग उनको तोल रहे हैं। और इसी वास्ते उनका कहना है कि जनहित का सरकार कांग्रेस की पार्टी दे सकती है, उसी के समय में किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी हर वर्ग जो है संतुष्ट था।
और इस सरकार से कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं। मेरा सवाल है जो इनेलो से भी भाजपा से भी, इनेलो का कोई नेता कहता है तो सवाल ये करता है भाई कांग्रेस ने और भाजपा ने कोई काम नहीं किया विकास का, और कोई भाजपा का कह रहा है तो कहता है कांग्रेस और इनेलो ने काम नहीं किया। आज जहाँ तक तीन तक मैं सीमित रखना चाहता हूँ, वैसे पूरे हरियाणा का तो बहुत बड़ा मुद्दा है, तीन में आज यूनिवर्सिटी कांग्रेस के समय में बनी, और वुमेन कॉलेज इंदिरा गांधी वुमेन कॉलेज जींद में कांग्रेस के समय में बना, हमारे सरकार के समय ऑडिटोरियम उसमें आरओबी जो जींद में बना है वो हमारे समय का है, जो आसी रोड पर है वाना जींद रेलवे लाइन वो हमारे समय बनी है, जींद बाईपास हमारे समय का है, और सीवेज और वाटर सप्लाई जो 100 करोड़ रुपए के दिया था हमने जींद में वो हमारे समय का है, और जो 4 लेनिंग जो है नेशनल हाईवे 73 की है जो रोहतक जींद नरवाना और पंजाब बॉर्डर तक जाएगी, जो कोटपत्ती से भी जो सताएगी 500 करोड़ रुपये था इसके इसका प्रोजेक्ट का था वो हमारे समय का है, लेकिन जहां हम छोड़ के गए थे आज वहीं ठप पड़ा है। इसी प्रकार से चुराने में चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे अनाज मंडी हो तो हमारे समय के, और उचाना में नई अनाज मंडी मिनी सेक्रेट और रेस्ट हाउस 50 बेड का हॉस्पिटल, जींद में 200 बेड का हॉस्पिटल, नरवाना में पॉलिटेक्निक, राजीव गांधी स्पीतों में वुमेन कॉलेज, ये तो मोटी मोटी मैंने आपको बताई बात, चाहे वो सिटी पार्क है जींद का और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, कोर्ट कम्प्लेक्स बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हर मैं तो मोटा याद, लेकिन मेरा इन दोनों पार्टियों से सवाल ये है क्या वो एक भी उपलब्धि बताया ऐसा बता सकते हैं प्रोजेक्ट, वो रेलवे लाइन का नरवाना में 108 एकड़ में जो है हमने इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का काम किया, उसके बाद हमने जो इंडस्ट्रियल स्टेट लाने का काम करे थे वो ठप कर दिया इन्होंने, उसका आना था, तो ये 5 साल इस सरकार को हो गए कोई एक भी आप उपलब्धि बता सकते हैं, और सारे आप साथी हो जिंदगी हो आपसे भी पूछना चाहता हूँ हो सकता मेरी नॉलेज में कोई एक उपलब्धि आप बता सकते हैं उस समय की सरकार का और इस समय की सरकार का कि भाई उस समय में ये हुआ, तो ये स्थिति है। आज लोग इस बात का सवाल पूछ रहे हैं इन लोगों से तो किस मुंह से वोट मांगने आए हैं, आज अगर हकदार है वो वोटों की तो केवल कांग्रेस पार्टी है, और ये लोग बात समझ चुके हैं, 2 दिन की मेरी असेसमेंट है। आप मानते हैं कि विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े हम लोगों ने तोल के देखा है और इसी वास्ते इस नतीजे में पहुंचे हैं कांग्रेस ही विकास कर। आपके उम्मीदवार को लेके विरोधी ये कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी MLA है उसी को उतारना कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि MLA पहली बार MLA का चुनाव लड़ रहा है वरना MP MLA का ऐसा है, ये पार्टी की अपनी रणनीति है, जब कहीं भी एक किस्म से युद्ध हो या प्रजातंत्र में चुनाव लगाओ तो पार्टियां अपनी रणनीति बनाती है, ये हमारी रणनीति, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपनी पार्टी का ही उम्मीदवार नहीं मिला। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या कांग्रेस ये लोग एक भी हो पाएंगे कहीं ऐसा तो नहीं लास्ट टाइम में भीतरघात हो सके कांग्रेस ही अपने नहीं नहीं कांग्रेस एकजुट है कभी भीतरघात नहीं होती। हाँ यहाँ देखो जींद का मैं बताना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, जींद में बड़े बड़े नेता पैदा हुए हैं लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए उठाया है, जींद का कोई लाभ नहीं।